नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में, जहां हम आज बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मील प्लान्स इन द होटल। जी हां दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा जब कभी भी कोई गेस्ट होटल में आता है या फिर आप भी जब कोई होटल रूम बुक करते हैं तो आपको ऑप्शन मिलते हैं कि आपको जो रूम लेना है वो ब्रेकफास्ट के साथ लेना है या फिर बिना ब्रेकफास्ट के लेना है, उसमें लंच ऐड होना चाहिए, डिनर ऐड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसको ही हम बोलते हैं मील कॉम्पोनेंट। तो इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूँगा और ये वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, मैंने इस वीडियो को बहुत ही डिटेल में बनाया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं यूरोपियन प्लान की। यूरोपियन प्लान को हम ईपी प्लान्स भी बोलते हैं और इस प्लान के अंदर आपको सिर्फ रूम रेट पे करना होता है, मतलब जो भी रूम का रेट होता है टैक्सेस के साथ आपको सिर्फ वो पे करना पड़ता है, लेकिन आपको उसके अलग से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा इन टर्म्स ऑफ मील प्लान। जैसे कि ना आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, ना आपको लंच मिलेगा, ना डिनर मिलेगा। हाँ, आप अलग से पे करके होटल के अंदर खा सकते हैं, लेकिन आपको वो रूम रेट के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं यूरोपियन प्लान। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टिनेंटल प्लान। देखिए कॉन्टिनेंटल प्लान के अंदर आपको रूम मिलता है प्लस आपको ब्रेकफास्ट मिलता है जो कॉन्टिनेंटल स्टाइल का होता है। अब कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो मैंने यहाँ स्क्रीन पे दे रखा है, आप उसको देख सकते हैं। ये जो कॉन्टिनेंटल प्लान होता है इसको हम सीपी प्लान भी बोलते हैं और ये मोस्ट फेमस होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम होटल यही प्रेफर करता है कि गेस्ट को सेल हो। तो कॉन्टिनेंटल प्लान होता है, मोस्ट ऑफ द लोग इसको ही प्रेफर करते हैं और ये डाउनटाउन होटल, कमर्शियल होटल, बिजनेस होटल्स ऐसी जगहों पे बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। थर्ड नंबर पे है हमारा मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान, जिसको हम MAP से भी रेफर करते हैं। देखिए ये जो प्लान होता है इसमें आपका रूम रेट इंक्लूड होता है, ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है, अब आपको ऑप्शन मिलता है या तो आप लंच कर सकते हैं या फिर डिनर कर सकते हैं। ये जो मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान है इसको डमी पेंशन, हाफ पेंशन, हाफ बोर्ड प्लान्स भी बोला जाता है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में, कि मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान मोस्टली आपका रिजॉर्ट प्रॉपर्टीज में फॉलो होता है। फोर्थ नंबर पे है हमारा अमेरिकन प्लान, जिसको हम AP प्लान भी बोलते हैं। देखिए अमेरिकन प्लान के अंदर आपका सब कुछ इंक्लूड होता है, जैसे कि आपका रूम, ब्रेकफास्ट, लंच भी और डिनर भी। तो ये एक पूरा पैकेज की तरह होता है जो आप किसी भी होटल में ले सकते हैं या फिर गेस्ट प्रेफर करते हैं मोस्टली रिजॉर्ट्स में ऐसे प्लान्स के लिए। अमेरिकन प्लान को मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में फुल बोर्ड या फिर फुल मील पेंशन प्लान भी बोला जाता है। और अमेरिकन ब्रेकफास्ट में क्या क्या आता है मैंने स्क्रीन पे दे रखा है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। और लास्ट है हमारा बरमूडा प्लान। देखिए बरमूडा प्लान को BNB प्लान भी बोला जाता है या फिर बेड एंड ब्रेकफास्ट प्लान भी बोला जाता है। इस प्लान के अंदर आपको रूम मिलता है प्लस आपको ब्रेकफास्ट मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पे अमेरिकन ब्रेकफास्ट मिलता है। बरमूडा प्लान और कॉन्टिनेंटल प्लान में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि कॉन्टिनेंटल प्लान में आपको कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट मिलता है और बरमूडा प्लान में आपको अमेरिकन ब्रेकफास्ट मिलता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 5 तरह के प्लान, जिनको हम टाइप्स ऑफ मील प्लान्स भी बोलते हैं होटल के अंदर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि अगर आप एज अ गेस्ट किसी होटल में चेक इन करेंगे तो आप कौन सा प्लान प्रेफर करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने मेरी लिंक्डइन आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और अगर आप हमसे प्रोफेशनल रिज्यूमे बनाना चाहते हैं तो उसकी भी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं और मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपने हमारी दूसरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके या फिर वीडियो सेक्शन में जाके उनको जरूर चेक करिए, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।